हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल आवर ग्रुप स्टडी सेंट्रल। आज का हमारा टॉपिक है स्टेट पोलैरिटी और रिवर्स पोलैरिटी। हम आज देखेंगे कि रिवर्स पोलैरिटी और स्टेट पोलैरिटी में फर्क क्या होता है। जब हम वेल्डिंग प्रोसेस करते हैं तो वेल्डिंग प्रोसेस करते दौरान हम ये पोलैरिटी शब्द का यूज जरूर सुने होंगे। क्या होता है, इन दोनों को कैसे यहाँ पे डिफरेंस होती है, क्या क्या चीज हम यहाँ पे कैटेगराइज किए हैं, हम यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम के साथ देखते हैं। जब हम वेल्डिंग प्रोसेस करते हैं तो वेल्डिंग प्रोसेस करने के दौरान हमारे वहाँ पे जो टर्मिनल होते हैं, यानी कि जब हम इलेक्ट्रिक सप्लाई देते हैं अपने इलेक्ट्रोड और अपने वर्क पीस के, जब इलेक्ट्रिक सप्लाई देते हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक सप्लाई के टर्मिनल्स की बात की जाती है कि वहाँ पे एक टर्मिनल यानी कि जो नेगेटिव और जो पॉजिटिव टर्मिनल होते हैं वो किससे किससे कनेक्ट होंगे, यही रिप्रेजेंट करती है पोलैरिटी को। क्या रिप्रेजेंट करती है पोलैरिटी, ये आपको समझ में आ गया। अब ये देखते हैं कि यहाँ पे किस किस तर्क पर या फिर किस किस पॉइंट्स पर यहाँ पे पोलैरिटी को हम सेट करते हैं। सबसे पहले ये वर्कपीस है, या इसको आप बेस मेटल भी बोल सकते हैं, बेस पैरेंट मेटल भी बोला जाता है, बेस मेटल भी बोल सकते हैं, या फिर आप सिंपली इसको अपना वेल्डिंग प्लेट कह दीजिए। ये आपका वेल्डिंग प्लेट है, ये इलेक्ट्रोड है। ये इलेक्ट्रोड यानी कि आप जब वेल्डिंग, जो भी आपका वर्कपीस रहेगा उस वर्कपीस पे आप इलेक्ट्रोड के द्वारा वहां पर जो वेल्ड करेंगे, तो इलेक्ट्रोड से एक टर्मिनल कनेक्ट होगा और दूसरे टर्मिनल हमारी वर्कपीस से कनेक्ट होगी। वर्कपीस पर अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट हो और इलेक्ट्रोड हमारा नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट हो, तो इस चीज को हम कहते हैं स्टेट पोलैरिटी। यानी कि अगर वर्क पीस पॉजिटिव हो और इलेक्ट्रोड जो आपका है वो नेगेटिव हो, तो वहां पे हम ये स्टेट पोलैरिटी इसको कहते हैं। यही चीज को अगर आप उल्टा कर देते हैं तो ये रिवर्स पोलैरिटी हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे वर्क पीस पॉजिटिव था तो आप यहाँ पे वर्क पीस को नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट कर दीजिए, और इलेक्ट्रोड को आप अगर पॉजिटिव कर देते हैं और इलेक्ट्रिक सप्लाई जब चालू करेंगे तो ये जो सिस्टम कहलाएगा ये आपका रिवर्स पोलैरिटी कहलाएगा। क्या फर्क होती है, थोड़ा सा ये देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने दो पॉइंट लिखी है। जब इन दोनों के बीच में कांटेक्ट होता है इलेक्ट्रिक सप्लाई होने के कारण, जब वर्क पीस और इलेक्ट्रोड के बीच में जब यहाँ पे आर्क जनरेट होती है, तो आर्क जनरेट होने के भी यहाँ पे दो पैमाने हैं। स्टेट पोलैरिटी में अलग तरीके का आर्क जनरेट होता है, रिवर्स पोलैरिटी में अलग तरीके का आर्क जनरेट होता है। देखिए, जब इन दोनों के बीच में कॉन्टेक्ट आएगा तो आपको पता है यहाँ पे आर्क जनरेट होती है, तो जब ये आर्क जनरेट होगी तो जो टू थर्ड हिस्सा है, यानी कि जो हीट जनरेशन, आर्क जनरेशन के जो टू थर्ड हिस्सा है वो हमारी बेस प्लेट पर हीट जनरेट होती है। यानी कि जो आपका वेल्डिंग प्लेट्स है उस वेल्डिंग प्लेट्स पर टू थर्ड हीट ऑटोमेटिक जनरेट हो जाती है अगर हम ये स्टेट पोलैरिटी का वहां पे अरेंजमेंट किए हैं, और बची हुई जो हमारी पोलैरिटी, बची हुई जो आर्क होती है वो हमारी यहाँ पे इलेक्ट्रोड पे निकलती है या फिर इलेक्ट्रोड के टिप पर निकलती है, इलेक्ट्रोड टिप पे कहा जाता है। दूसरा यहां पे होता है प्रॉपर फ्यूजन, यानी कि अगर यहां पे जो भी वेल्डिंग प्रोसेस होती है, वेल्डिंग प्रोसेस जो होती है, यहां पे जो फ्यूजन्स होती हैं वर्कपीस और इलेक्ट्रोड के बीच में, हम यहां पे फ्यूजन्स होती है, इलेक्ट्रोड कंज्यूम होते हैं, कुछ नॉन कंज्यूमेबल भी होते हैं, तो यहां पे जो फ्यूजन होती है वो फ्यूजन हमारी प्रॉपर वे पे होती है। ये किसकी बात कर रहा हूं मैं, स्टेट पोलैरिटी की बात कर रहा हूं। दूसरी बात करते हैं हम यहां पे रिवर्स पोलैरिटी की। यहां पे जो टू थर्ड हीट जनरेट होती है, यानी कि जो आर्क निकलती है वो आपकी इलेक्ट्रोड टिप पर होती है, यानी कि यहां पे जो आपकी आर्क जनरेट होती है वो टू थर्ड यहां होती है और बची हुई आर्क जो होती है आपकी इस बेस प्लेट पर होती है, या इसी को हम वेल्ड प्लेट भी कहते हैं, और या फिर हम इसको वर्कपीस भी कहते हैं। तो यहां पे ये चीज आप देखने को मिली होगी। दूसरी चीज यहां पे इम्प्रॉपर फ्यूजन, यहां पे प्रॉपर फ्यूजन था, यहां पे इम्प्रॉपर फ्यूजन था। तो रिवर्स पोलैरिटी में जो फ्यूजन होती है वो हमारी इम्प्रॉपर होती है, उतनी अच्छी मात्रा में नहीं हो पाती है। तीसरा इसका एक और पॉइंट है जो कि है आपका, ये जो यूज होता है ये आपके थिक प्लेट के लिए सुटेबल होता है, यानी कि मोटी प्लेट के लिए सुटेबल होता है, और ये हमारा जो होता है ये मेरा थिन प्लेट के लिए सुटेबल होता है। देखिए कैसे कैसे पता चलेगा कि हमको स्टेट पोलैरिटी हमारी थिक प्लेट के लिए यूज होती है। होता यह है कि यहाँ पे जो आर्क जनरेट हो रही है, जो हीट जनरेट हो रही है, वो टू थर्ड हिस्सा हमारे बेस प्लेट पर हो रही है, और अगर आप यहाँ पे पतली प्लेट लगाते हैं, यानी कि आपकी जो वेल्डिंग प्लेट्स है अगर वो पतली लगाते हैं, तो यहाँ पे जो एक्सेसिव अमाउंट पे आर्क जनरेट हो रही है वो पूरी की पूरी प्लेट पर हो जाएगी। तो जिससे होगा ये कि अगर एक्सेसिव अमाउंट पे आर्क जनरेट होगा और आपकी प्लेट पतली है तो वो वहां पे हमारी इम्प्रॉपर वेल्डिंग होगी, या तो पूरी तरीके से मेल्ट हो जाएगा या फिर उसमें ज्यादा मात्रा में हमारे इलेक्ट्रोड डिपॉजिट हो जाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पे ये मोटे प्लेट के लिए ये रिलायबल है। अगर हम बात करें रिवर्स पोलैरिटी की तो ये थिन प्लेट के लिए होता है, क्योंकि यहाँ पे जो आर्क जनरेट होती है वो टू थर्ड हिस्सा हमारे इलेक्ट्रोड टिप पर होती है और बची हुई जो होती है वो वर्कपीस पर होती है। तो जिससे कि अगर थिन प्लेट भी रहे तो यहाँ पे डिपॉजिट कम हो रही है, फ्यूजन्स आर्क जनरेट कम हो रही है, तो ये हमारा बेस्ट रहता है। एक यहाँ पे और मैं बात करना चाहूंगा, अगर हम एसी वेल्डिंग करते हैं, यानी कि आपको पता है कि जो हम इलेक्ट्रिक सप्लाई देते हैं अगर वो एसी या फिर डीसी दे, तो यहाँ पे अल्टरनेट या फिर हम यहाँ पे डायरेक्ट करंट देते हैं, तो अल्टरनेट करंट की अगर मैं बात, तो वहां पे आपको जो यूज होता है वो एसी ट्रांसफार्मर से आप सप्लाई लेते हैं, और वही अगर मैं बात करूं डीसी वेल्डिंग मशीन के लिए तो आप डीसी जनरेटर का इस्तेमाल करके आप यहाँ पे सप्लाई लेते हैं। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, और कौन से टॉपिक आप वीडियो चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ऐसे यूजफुल वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। तब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद, बाय बाय।